सुनो, मरी चलोगे तुम? मतलब कुछ भी, अभी मरी कहां से आ गया बीच में? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, वो मेरी सासू मैं ना, उन्होंने पता नहीं क्यों एकदम से प्लान बना लिया, कोई काम है उन्हें वहां पर, इसलिए वो चाह रही है कि मैं भी उनके साथ चलूं। तुम खुद ही बताओ उनकी कंपनी में मैं क्या करूंगी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को साथ ले चलती हूँ और तुम हमारे साथ जा रहे हो। और ओके तुम्हारा शोहर वो? उसे अपने कामों से फुर्सत मिले तो ना। तुम ना मुझसे शादी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको यहाँ पर। क्या हो गया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस टॉपिक पे आइंदा तुम मेरे साथ नहीं बात करोगे। क्या क्या करो? तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मोहब्बत करती? इसलिए मेरी तस्वीरों पे मुझे ब्लैकमेल किया था? हाँ, ब्लैकमेल करना होता ना मुझे तो वो तस्वीरें तुम्हारी माँ को भेजता, तुम्हें नहीं, और पैसे लेता उनसे। देखो मैं मानता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका गलत है, मेरा जिंदगी गुजारने का तरीका गलत है, मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, लेकिन तुमसे प्यार तो करता हूँ। अच्छा, प्यार करते हो मुझसे? हाँ प्यार करता हूँ तुमसे। क्या कर सकते मैं? कुछ भी कर सकता हूँ, आजमा लो। जान ले सकते हो अपनी, मेरी खातिर? खड़ी क्यों रोक दी? अब ऐसे देखते रहोगे? बताओ, जान ले सकते हो? ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? छोड़ो, लग जाएगी किसी का। छोड़ो, मैंने बोला ना मैं जान ले सकता हूँ। पागल हो गए क्या? पागल हो गए तुम? साइको को कहीं के जाकर किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। इतनी बेवकूफाना हरकत की तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। अब ऐसे हंसकर देख के रहे, मुझे जवाब दो। नामुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम मेरा साथ दो, मैं नामुमकिन को मुमकिन बना कर दिखाऊंगा। मेरे शोहर अगर मुझे इग्नोर ना करता होता ना तो मैं शायद यहाँ मौजूद भी ना होती। देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़, मैं वाकई निहाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती हूँ। प्लीज आइंदा ये टॉपिक हमारे दरमियान में नहीं आना चाहिए। हम हमेशा के लिए दोस्त भी तो रह सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत करने से तुम नहीं रोक सकती ना, इतना तो हक है ना मेरा। ठीक है, मेरी मोहब्बत एक तरफा है, लेकिन मोहब्बत तो है ना। प्लीज मुझे मेरे घर छोड़।